हेलो एवरीवन, कब आएगा लेवल 235 के सीबीटी 2 का रिजल्ट और इसके आंसर की कब जारी होगी। और इसके साथ एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि जो लेवल 4 और 6 के सीबीटी 2 का एग्जाम हो चुका है उसका सीएबीटी टेस्ट कब होने वाला है। उसके साथ साथ आरआरबी गुवाहाटी का एग्जाम रीशेड्यूल कब से होगा। तो इन सब बातों का डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो जुड़िए मेरे साथ। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक सही ढंग से पहुंच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस बात को, अपने इस डिस्कशन को। तो जो बच्चे, जिन विद्यार्थियों ने लेवल 4 और लेवल 6 का सीबीटी 2 क्वालिफाई किया है वो साइको टेस्ट देंगे, और जो बच्चे लेवल 2, 3, 5 में, जिसमें कुछ में टाइपिंग टेस्ट है, टीएसटी है और कुछ में नहीं है, जो इसका सीबीटी 2 क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होना है। अब ये टाइपिंग टेस्ट कब तक प्रस्तावित है, तो आरआरबी एनटीपीसी के सभी आरआरबी के अनुसार सभी ढंग से सभी मीटिंग्स के बाद जो एक डेट निकल कर आ रही है, जो एक मंथ डेट निकल कर आ रही है, वो ये बताया जा रहा है कि जुलाई महीने तक में ये सीएबीटी यानी कि साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कराने की पूरी संभावना है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, ये जल्दी जल्दी इस वजह से कराया जा रहा है, जैसा आपने देखा होगा कि लेवल 4 और 6 के एग्जाम लगभग 9 और 10 आसपास कंडक्ट हुए थे, जिसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की विद इन 2 डेज में कर दी गई थी और उसके 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लेवल 4 और लेवल 6 में जिन बच्चों ने साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है उनकी संख्या है 55 से 57 हजार, और उनका साइको टेस्ट लगभग 10 जुलाई के आसपास प्रस्तावित है कि 10 जुलाई के आसपास 10 से 15 जुलाई में उनका साइको टेस्ट करा लिया जाएगा। हालांकि 55 से 57 हजार की संख्या को एक दिन में साइको टेस्ट कराना आरआरबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करे, पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं लेवल 2, 3 और 5 के रिजल्ट की। तो लेवल 2, 3 और 5 का रिजल्ट और इसकी ऑफिशियल आंसर की, देखिए अभी तक रेलवे आरआरबी का ये रिकॉर्ड है कि जब तक सारे बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आरआरबी अपनी ऑफिशियल आंसर की को जारी नहीं करता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी गुवाहाटी का, उसके 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुई थी, एक लमडंग और एक बदरपुर क्षेत्र, जहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण आरआरबी गुवाहाटी के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था। तो आरआरबी गुवाहाटी के एग्जाम का जो कंडक्शन होना है, जो एग्जाम होने हैं, जिसको कंडक्ट होने के लिए एक हिस्सा बाकी रह गया है, इसके बाद ही सारी आरआरबी की ऑफिशियल आंसर की और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसका आने की पूरी संभावना है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आरआरबी के अनुसार जुलाई के प्रथम सप्ताह या जुलाई मिड तक आरआरबी गुवाहाटी का एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा और फिर सारी की सारी आरआरबी की एक साथ ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी और उसके रिजल्ट को प्रस्तावित कर दिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर कोई एक सही डेट, कोई एक सही समय जो कि रिजल्ट और आंसर की के लिए प्रस्तावित हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए बच्चे परेशान है कि सर, जो भी आरआरबी गुवाहाटी वाले बच्चे हैं, कि सर इसका एग्जाम रीशेड्यूल कब तक हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरआरबी की नई मीटिंग्स के अनुसार जो उन्होंने मीटिंग करी है रेलवे मंत्रालय ने, उस मीटिंग का रिजल्ट ये निकल के आया है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, आरआरबी गुवाहाटी के एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा और 10 जुलाई तक सारी आरआरबी की आंसर की जारी कर दी जाएगी और आरआरबी लेवल 2, 3 और 5 के रिजल्ट को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हर हालत में जारी कर दिया जाएगा और ऑफिशियल आंसर की उससे पहले। जैसा कि आपको मालूम है कि जब तक आरआरबी अपने सभी 21 जोन के एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराती है तो तब तक वो आंसर की या ऑफिशियल रिजल्ट जारी नहीं करती। तो केवल एक यही कारण है जो थोड़ी सी देर हो रही है और इसका मैंने आपको पल पल की बिल्कुल लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट अपडेट से बिल्कुल अपडेट कर दिया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3 और 5 का और उसके साथ रिजल्ट आ जाएगा और उससे पहले ऑफिशियल आंसर की। आरआरबी गुवाहाटी के रीशेड्यूल एग्जाम के लिए, जो एग्जाम का रीशेड्यूल होना था जुलाई प्रथम सप्ताह में, इसके एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहराता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लेवल 4 और लेवल 6 के सीएबीटी यानी कि साइको टेस्ट, जिसमें 55 से 57 हजार लोगों ने क्वालिफाई किया उसके लिए अपियर होंगे, उसका साथ में आरआरबी गुवाहाटी के एग्जाम का रीशेड्यूल जुलाई प्रथम सप्ताह में होगा और इसकी ऑफिशियल आंसर की 1 से 2 दिन के बाद यानी कि लगभग 10 जुलाई तक आपके समक्ष होगी।
और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक सभी आरआरबी का रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसी बीच में हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि यह बात अभी कंफर्म नहीं है, बट पॉसिबली आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम की डेट भी आपको बता दी जाए। तो पल पल रेलवे की अपडेट के लिए, रेलवे के एग्जाम की अपडेट के लिए जुड़िए चैनल के साथ। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।